Hi everyone, hello dosto, welcome to Learning Commerce. As I promised, I am going to start the college review series for the 12th class pass out students. जो भी बच्चे 12th class pass करके अब DU के colleges के अंदर admission लेने जा रहे हैं और सोच रहे हैं, confused हैं कि किस college में उनको admission मिल सकता है या कौन से college में उनको admission देना चाहिए, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये college review series में first part लेके आया हूँ हिंदू college के बारे में। तो ये हिंदू कॉलेज का पूरा कंप्लीट रिव्यू हम इस पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके काम की है, वो आप नोट कर लीजिएगा इसके अंदर। ओके, ओके, देखिए इस हिंदू कॉलेज का सबसे पहले बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो एक रिनाउंड कॉलेज है, प्रीमियर कॉलेज है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बहुत बढ़िया एकेडमिक कॉलेजेस में इसका नाम आता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, 1899 में एस्टेब्लिश हुआ था, आज 121 साल हो गए हैं इस बात को। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज एंड हिंदू कॉलेज इज द मोस्ट टॉप रैंक्ड कॉलेज। एसआरसीसी जैसे कॉलेज की तरह हिंदू कॉलेज का नाम भी टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। अब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स हर तरह के कोर्सेज का एडमिशन कराया जाता है। फुल टाइम कोर्सेज हैं पूरा का पूरा कॉलेज, हर तरह की बेस्ट फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है। तो 1899 में एस्टेब्लिश हुआ यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी एनक्लेव मॉरिस नगर के पास यहां पर ये इसकी लोकेशन है। गवर्नमेंट कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज है और एरिया की बात देखी जाए तो बहुत बड़ी एरिया में 25 एकड़ के एरिया में यह पूरा कॉलेज फैला हुआ है। और रैंकिंग में देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग में भी नंबर 3 पे आता है ये, और NRIF मींस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी इसका रैंक 3rd नंबर पे आया गया है। और जो NSCC का एक्रेडिशन है, यानी कि ऐसी जो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिशन काउंसिल है, ये सभी हायर कॉलेजेस की पूरी एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी सर्टिफिकेट देने के लिए ये NAAC इसको एक्रेडिशन काउंसिल इसको सर्टिफिकेट देती है, जिसमें इसका नाम ग्रेड A+ कैटेगरी में आता है। ओके, तो 1899 में एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इंक्लेव में इसका एरिया 25 एकड़ में ऐसा एरिया फैला हुआ है। 3rd रैंक है इसका DU में भी और NRIF रैंकिंग में भी, और ग्रेड A+ रैंकिंग है इसकी NAAC एक्रेडिशन काउंसिल के अकॉर्डिंगली। टोटल 120 टीचर्स इसके अंदर पढ़ाते हैं। तो हिंदू कॉलेज अब मान लिया कि इसके अंदर बहुत बढ़िया कॉलेज है ये, आप किसी भी टॉप रिनाउंड कॉलेजेस और DU के अंदर है या आप पूरे इंडिया के अंदर भी बाकी कॉलेजेस में देखा जाए तो NRIF के अंदर सारे इंडिया के अंदर ये नंबर 3 कैटेगरी रैंक में आता है। तो इसलिए अगर आपको यहां पर एडमिशन मिलता है, आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स इससे रिलेटेड हैं, तो आप जरूर इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए अपने फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं हिंदू कॉलेज जो है दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी कराता है और पोस्ट ग्रेजुएट भी, यानी कि अगर आपको एक बार अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप इसी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो यूनिवर्सिटी का कॉमन प्री एडमिशन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, ऑनलाइन फिलअप करना है, और DU वेबसाइट से आप निकालकर आप इसे फॉर्म भर सकते हो, जिस भी आपके क्या परसेंटेजेस हैं वो आप डाल सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, 10+2 12th क्लास तो सबके लिए पास होना जरूरी है ही, और ये कट ऑफ मार्क्स जो भी हिंदू कॉलेज अपने तरीके से डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ परसेंटेज है, मैं बताऊंगा कट ऑफ परसेंटेज के बारे में कि पिछले साल क्या गई थी, उस साल एक्सपेक्टेड क्या होने वाली है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दी थी, जिसके अंदर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो मेरी मैं मानता हूं कि क्या परसेंटेज इसकी आ सकती है, उस वीडियो को भी देखिएगा तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो करता है DU, गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो कर रखा है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सेक्शंस के लिए ये सीट्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए गए हैं, तो इसमें सभी मैंने बताया ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स सभी के लिए है। ह्यूमैनिटीज में देखा जाए तो आपके पास सारे जो ऑनर्स कोर्सेज हैं, चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, हिंदी ऑनर्स हो, संस्कृत ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, इन सब में सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल देखा जाए तो हमारे पास जनरल कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सब लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन भी हैं। 49 सीट्स के आसपास यहां पर लगभग हर कोर्सेज में अवेलेबल हैं। एक यहां पर संस्कृत ऑनर्स के लिए 29 सीट्स अवेलेबल हैं और उसमें से भी 12 जनरल सीट्स के लिए हैं, बाकी रिजर्व हैं सारी। ठीक है, तो ये सारी जो कॉलम है ये जनरल कैटेगरीज के लिए, जो जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज के अंदर हर कोर्स के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं वो भी इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि उनको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस कितने हैं। उसके अलावा बीकॉम वालों के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए बीकॉम ऑनर्स और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स है ये यहाँ पर अवेलेबल है।
साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स जिसमें स्पेशलाइज करना चाहते हैं उन सबके अंदर यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग 18-32 सीट्स के आसपास अवेलेबल हैं टोटल इसके अंदर जनरल कैटेगरी में और टोटल 79 सीट्स से मैक्सिमम से लेकर मिनिमम 40 सीट्स तक हर कोर्स में अवेलेबल हैं। तो ये आपका ये पूरा जो आपका मैट्रिक्स है ये आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एक कॉलम यहाँ पर जो है उसको देख लें कि किस किस कोर्स में क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो यहाँ पर इनके अलग अलग सीट्स अवेलेबल हैं हर एक कोर्स के सामने। तो कोर्स हर एक के लिए है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी, साइंस के लिए भी और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। उसके अलावा कॉम्बिनेशन में भी हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश का, हिंदी प्लस फिलोसफी का, इसके लिए भी अलग अलग तरीके की सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल देखा जाए तो 956 टोटल एग्जिस्टिंग सीट्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं हिंदू कॉलेज के अंदर, जिसमें से 388 सीट्स जनरल कैटेगरी में, बाकी सब रिजर्व्ड हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं और क्या क्या सीट मैट्रिक्स है, कितनी कितनी सीट्स किसके लिए अवेलेबल हैं। जो जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपना कॉलम चूज करके देखकर सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं कोर्स वाइज। अब इसमें अगर कट ऑफ लिस्ट की बात देखी जाए तो कट ऑफ लिस्ट हर कोर्स के हिसाब से लगभग काफी हायर परसेंटेज आती है, 97 से कम तो कहीं परसेंटेज देखो नजर नहीं आ रही जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर आप यहां पर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हो तो 97.75, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो 97.5%। ये 2019-20 की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट थी। मैंने आपको जो डीयू कॉलेजेस की रैंकिंग के हिसाब से जो मैंने कट ऑफ लिस्ट बाकी मैंने बताई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट, उसमें बताया था कि इस साल 1 से 1.5% तक आपकी कट ऑफ परसेंटेज ऊपर जा सकती है। अगर आप यहां पर इंग्लिश हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस पिछले साल की 97.75 है तो मान के चलो ऊपर 98.5 के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था इस बार 95% से ऊपर आने वाले बच्चों की टोटल नंबर्स डबल हो गए हैं एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो सबसे एक काफी बड़ा कोर्स माना जाता है ह्यूमैनिटीज के लिए भी और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी, तो उन इकोनॉमिक्स के अंदर 98.5% लास्ट में कट ऑफ लिस्ट गई थी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 96.75 से लेकर 92.75% भी चल जाती है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी अलग से रिजर्व कैटेगरी है 95% के लिए, वो भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स लगभग मिलती जुलती परसेंटेज इसमें भी आती है, पर हम आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात कर रहा था। ऐसी अगर हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए, वहां पर 98.25% काफी हाई परसेंटेज यहां पे भी गई थी फर्स्ट कट ऑफ में, और रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा सा 1.5 से 2% के आसपास नीचे कैटेगराइज है। और पीडब्ल्यूडी में और 91.5% बच्चे 91.5% वाले बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए भी लगभग वही 97.75% के आसपास 98.33% के आसपास की परसेंटेज इन सभी साइंस के बच्चों के लिए भी जाती है। लेकिन इस बार अब मान के चलो 0.75 से लेकर 1.25% तक की परसेंटेज इसमें बढ़ सकती है, एंड इट मे गो बियॉन्ड 98.5% इन दीज प्रीमियर कोर्सेज। ओके, तो हिंदू कॉलेज बहुत हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को ही लेता है सिर्फ, तो इसलिए कट ऑफ लिस्ट काफी ऊपर जाती है। तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ कोर्सेज की लिस्ट। आप अपने जो जो कोर्स आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन कौन से आपके इंटरेस्टेड कोर्सेज हैं, उनके हिसाब से अपना कॉलम देख लीजिए जनरल कैटेगरी का है और बाकी सब ये रिजर्व कैटेगरी का है जहां जहां ये परसेंटेज गिवन है। ओके, तो ये आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको बार बार देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकंड कट ऑफ लिस्ट देखें, मैंने आपको एक कंपैरिजन देखा, मान लो बीकॉम ऑनर्स का 19.25% गई थी फर्स्ट कट ऑफ में, लेकिन जब सेकंड कट ऑफ में गया तो ये आधा परसेंट नीचे आया 97.75। लेकिन बाकी जो कोर्स दे रहे हो इंग्लिश ऑनर्स हिंदी ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स, यहां तो सेकंड कट ऑफ में गई ही नहीं थी। अब देखो मतलब जो फर्स्ट कट ऑफ में ही सारी सीट्स भर जाती हैं इसके अंदर, सेकंड कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के लिए क्या रिजर्व कैटेगरी के भी सीट्स नहीं बचती हैं। सिर्फ ये जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है यहां पर सेकंड कट ऑफ में 19.25 और बीकॉम ऑनर्स 97.75 ये परसेंटेज गई थी। अब मैं पिछली वाली जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की उसको देखो 98.5 थी, सिर्फ और सिर्फ 0.25% ही गिरी थी फर्स्ट सेकंड कट ऑफ लिस्ट के में, यानी इसके बाद तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट तो आई भी नहीं होगी इसकी, जब सेकंड कट ऑफ लिस्ट के बाद ही सारी सीट्स क्लोज्ड हो गई यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए बाकी मेन मेन कोर्सेज के लिए। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी सिर्फ आधा परसेंट या 0.25% तक ही परसेंटेज नीचे गई है, तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक किसी का नंबर नहीं आया होगा। तो इसका मतलब अब जो बच्चे 98.5% वाले बच्चे हैं वो अगर कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स में या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में या इंग्लिश ऑनर्स हिंदी ऑनर्स में लेना चाहते हैं या हिस्ट्री ऑनर्स में लेना चाहते हैं
वो 98.5% की ही एक्सपेक्टेशन वाले बच्चे ही इसमें एडमिशन की सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बात की कट ऑफ लिस्ट की 1920 की, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूं कि 0.75 से 1.25 परसेंटेज इजिली आराम से ऊपर जाएगी इस साल जो अब आने वाली लिस्ट होंगी। और थोड़ी बात करते हैं इस कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज कैसी हैं। फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके अवेलेबल है, लाइब्रेरी है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, मैंने खुद देखी है। हॉस्टल यहाँ पर दोनों बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, हर तरह के स्पोर्ट्स इसमें फुटबॉल से लेकर वॉलीबॉल और क्रिकेट का भी बहुत बड़ा इसमें ग्राउंड है। लैब्स हैं, कैफेटेरिया है, जिम की और मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं इसके अंदर। वाईफाई अवेलेबल है बच्चों के लिए, ऑडिटोरियम बना हुआ है बहुत बड़ा। सेमिनार हॉल्स हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होते हैं कॉलेजेस की। गर्ल्स का कॉमन रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए अलग से अवेलेबल है, सेपरेटली अवेलेबल है। बैंक अपना अपनी ATM है और साथ में पूरी ब्रांच है बैंक की। और स्टेशनरी शॉप तो हर तरह की स्टेशनरी आपको कॉलेज के अंदर ही मिल जाती है। और कैंपस लाइफ में देखा बहुत बढ़िया और वेराइड लाइवली लाइफ है यहाँ पर कैंपस की। बहुत बढ़िया फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर बच्चे करते हैं। सोसाइटीज़ अलग तरह की बनी हुई हैं जिनके नाम अभी हम यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सोसाइटीज़ बहुत बढ़िया अलग तरह के काम करने वाले कल्चरल सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। डांस के अलग हैं, म्यूज़िक के अलग हैं, अलग सोसाइटीज़ हर तरीके की बनी हुई हैं इस कैंपस के अंदर। उसके बाद फीस की बात देखी जाए तो यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक ऑनर्स की बात करते हैं लगभग 17,310 रुपीज़ पर ईयर की फीस है। बी कॉम ऑनर्स के लिए 18,000 रुपये फीस है पर ईयर की। और साइंस के लगभग सभी कोर्सेज के लिए 20,210 के आसपास कोर्सेज हैं। बाकी जो रिजर्व स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल टेरिटरी और PW स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी कंसेशन इसमें मिल जाती है। स्कॉलरशिप बहुत सारी स्कॉलरशिप है, मेरिट बेसिस पर मिलती हैं जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और साथ में कुछ लोग जो मतलब उनके पास इनकम सोर्स कम है तो उनको लोग स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके की कैटेगरी से मिल जाती है। बाकी इसकी डिटेल्स जो हैं स्कॉलरशिप किस किस को कौन कौन सी कैटेगरी है आप इसमें वेबसाइट में जाकर लिंक में देख सकते हो कि क्या क्या कौन कौन स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल हैं। और प्लेसमेंट्स के मामले में देखा जाए तो इनका एक पूरा डिपार्टमेंट है दिशा के नाम से जो प्लेसमेंट सेल है। यहाँ पर लगभग 95% बच्चों को यहीं पर प्लेसमेंट मिल जाती है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें से कुछ गूगल, डेलॉयट, HDFC, KPMG, मारुति, JP, E&Y, अर्नस्ट & यंग, प्रोटिविटी, डी शॉ, SR, एंड्रॉयल एंड सुंदरम अलायंस जैसी बहुत बड़ी कंपनीज, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं पर ये बड़ी बड़ी मेन कंपनीज हैं जहां पर एवरेज CTC आप बच्चों को 5 लाख के आसपास मिल जाता है। जबकि इसमें हाईएस्ट सैलरी जो लास्ट ईयर गई थी वो 20 लाख के ऊपर गई थी, पर एवरेज CTC लैक अपने 5 लाख के आसपास जाती है। तो ये आपके सैलरी की बात हो गई। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 95% बच्चों को एडमिशन यहाँ पर यहीं से कॉलेज से मिल जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी इसमें कंपनीज के अंदर। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा बताया आज हिंदू कॉलेज के बारे में। अगले आने वाली सीरीज के अंदर, इसी सीरीज के अंदर मैं नेक्स्ट कॉलेज लेके आऊंगा आगे, आपको श्रीराम कॉलेज के बारे में बताऊंगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो हिंदू कॉलेज के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मुझसे मिल गई है। कुछ और ही पूछना है तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में डालकर मुझे भेज दीजिए, आई विल आंसर दैट। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉलेज SRCC, आई विल बी देयर वेरी सून। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।